बाद में आप लोगों कार्बनिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा, कार्बनिक एसिड बहुत चैलेंजिंग है, पार्ट टू। ओके, कार्बनिकेशन सबसे पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब बात जैसे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की चल रही, तो पहले तो हमें है ना एल्केन और एरिन के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा कार्बनिक रसायन। अगर आपको कोई पूछता है कार्बनिक रसायन क्या होगा, तो आप लोग बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखें, कार्बन के अध्ययन से संबंधित। रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है, अर्थात कार्बनिक रसायन का मतलब है, कार्बनिक रसायन का मतलब है कार्बन से संबंधित रसायन, यानी रासायनिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करते हो, तो कार्बनिक रसायन। ओके, अब आप देखो कार्बनिक रसायन के बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन। क्या पॉइंट आता है? हाइड्रोकार्बन। आप लोग हमेशा याद रखें हाइड्रो का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का संयुक्त अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन हाइड्रोकार्बन कहलाता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का संयुक्त अध्ययन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में कई सारे पार्ट आते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट की बात करा, जो चैप्टर में लिंक हो रही है, एक तुम्हारे पास एल्केन एक एरीन, एक तुम्हारे पास क्या होगा एल्केन और एक हमारे पास क्या होगा एरीन। अब बात क्या है कि एल्केन क्या होगा एरीन क्या होगा। एल्केन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तुम्हारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है संतृप्त, संतृप्त असंतृप्त छोड़ दो आप, एक आप लोग याद रखो सिंपल सा, आप लोग क्या रखो खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला वाला, एक आप क्या रखो हमेशा बंद श्रृंखला वाला। क्लियर, यानी कि आप एक बात हमेशा याद रखो कि अगर एल्केन की बात करें तो खुली श्रृंखला वाला होगा, एक बंद श्रृंखला वाला होगा एल्केन होगा। एरिन में सिर्फ और सिर्फ एरिन, एरिन ना एक लैटिन भाषा का शब्द है, एरिन का मतलब वो एरोमेटिक से रिलेटेड, एरोमेटिक होते हैं खुशबूदार, जिनमें क्या होता है मिला हुआ बेंजीन, यानी जहां पर भी आप इस रचना का अनुभव करते हो, यानी इसका बेंजीन के बारे में आप अध्ययन करते हो, तो वह जो बात होगी वह सिर्फ और सिर्फ एरिन से रिलेटेड होगी। क्लियर, अभी मैं एल्केन के बारे में बताऊंगा आपको, एरिन के बारे में सिर्फ आप इतना याद रखें जो बेंजीन से संबंधित यौगिक होंगे मैं सारे के सारे क्या होंगे एरिन होंगे, लेकिन जो एल्केन जो होंगे मैं तुम्हारे पास श्रृंखला वाले होंगे, एक बंद श्रृंखला वाले होंगे। मैं एक एक के बारे में आपको विशेष तौर पर बताऊंगा, अभी आप ध्यान दें। अब जो पॉइंट है हमारा एल्कीन, क्या पॉइंट एल्कीन, एल्कीन में मैंने कहा आपको एक तो खुली श्रृंखला वाले होंगे, एक हमारे पास होगी बंद श्रृंखला। क्लियर, बंद श्रृंखला में आपको सारे के सारे यौगिक ऐसे दिखाई देंगे जो बंद श्रृंखला में होंगे, ये सब यौगिक बंद श्रृंखला में होंगे, और आप लोग इस बात को हमेशा याद रखें जहां पर भी एक कोना होता है वहां पर एक कार्बन माना जाता है, जहां पर भी एक कोना होता है वहां पर एक कार्बन माना जाता है, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं, ये सब कैसे हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। ठीक है, ये रेखीय ज्यामिति में प्रदर्शित कर गए हैं, रेखा के अनुरूप दर्शाए गए हैं, रेखा से दर्शाए गए हैं। ठीक, अगर मैं खुली श्रृंखला की बात करूं तो खुली श्रृंखला में भी तीन पॉइंट निकल कर आते हैं, जिन्हें हम दो पॉइंट में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त, एक हमारे पास होते हैं असंतृप्त। असंतृप्त को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक होते हैं एल्कीन, एक हमारे पास होते हैं एल्काइन। बेसिकली ये जो एल्कीन है ना ये पार्ट यहाँ आना चाहिए, लेकिन वास्तव में इस एल्कीन के अंदर ही हमने इन सबको एक साथ डिवाइड कर दिया। एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का मतलब होता है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, यानी कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो।
या फिर एकल बंध हो। एकल बंध का मतलब जहां दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एकल बंध। एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है द्विबंध, जहां क्या मिलेगा, द्विबंध मिलेगा। अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जहां पर त्रिक बंध पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो, त्रिक बंध। क्लियर? आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दें इन सारी चीजों से, आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एल्कीन के बारे में बताया, एल्कीन के आप बारे में बिल्कुल ढंग से समझ चुके होंगे। एक बार और रिपीट कर रहा है कि दो टाइप के होंगे, खुली श्रृंखला वाले, एक बंध श्रृंखला वाले। बंध श्रृंखला वाले में साइक्लो लगेगा। अगर आप साइक्लो शब्द कहीं पढ़ रहे तो साइक्लो का मतलब क्या होगा, बंध श्रृंखला। अगर आप खुली श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो खुली श्रृंखला में दो टाइप के यौगिक मिलेंगे, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त यौगिक में सिर्फ और सिर्फ एल्कीन पड़ जाएगा, वास्तव में एल्कीन यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम एल्कीन से कोरिलेटेड ये सारे शब्द सीख लेते हैं, यानी एल्कीन, एल्काइन और ये हमारे पास क्लियर सारे नहीं आते हैं। ओके, एल्केन भी हमारे पास है ना, एल्केन भी हमारे पास यहाँ जाता है, इसे हम एल्केन बोल सकते हैं, इसे एल्कीन बोल सकते हैं, इसे एल्काइन बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक बार और बता देता हूँ, एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। ओके, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना। क्या होता है इसका मतलब, दर्शाना। अब बात है, मान लो मैं एल्केन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, एल्केन की। जो हमारे पास एल्केन होता है, जो हमारे पास क्या होता है, एल्केन। तो एल्केन का मतलब क्या होता है, मात्र R। इसे हम किसी से प्रदर्शित करेंगे, R से। जो हमारे पास एल्केन होगा, उन सबको सबको एक चीज से प्रदर्शित करेंगे, सिर्फ R से। और R के सामने अगर हाइड्रोजन लग रहा तुम्हारे पास क्या होगा, वो एल्केन को निरूपित करेगा। किसे निरूपित करेगा, एल्केन को। अगर आप किसी खाली आर की बात करें, किसकी बात करें, आर की, तो इसे वास्तव में एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वास्तव में एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वास्तव में एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जो एल्किल है, इसी में हम सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे ताकि हमारे पास हेलो एल्किल बनना या फिर हेलो एल्किल बनना। देखो, अब जो हेलो एल्किल आया, इसकी बात कर रहा मैं, हेलो एल्किल। तो इसमें एक शब्द है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब है नमकीन वाले पदार्थ। हेलोजन जो शब्द है हमारे पास, ये शब्द बेसिकली क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए यूज किया जाता है। ओके, और जो हमारे पास हेलोजन का मतलब है, इसे हम टोटली एक्स से निरूपित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। एक्स डायरेक्टली हेलोजन को विशेष तौर पर प्रदर्शित करते हैं। और एल्केन के बारे में ना दिया होता RH। अगर मैं RH में से हाइड्रोजन निकालकर इसकी जगह X रख दूं, तो जो RX प्राप्त होगा, इसका नाम होगा हेलो एल्केन। ओके, अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि हेलो एल्केन के साथ साथ हेलोरेन क्या होते हैं। ओके, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखने को कर सकते हैं।